जी भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा इस वक्त ऊना के डीसी ऑफिस से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां पर इस वक्त दर्जनों की संख्या में ग्रामीण हरोली उपमंडल के ठाकरा गांव से डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। इस वक्त हाथों में कुछ कागजात आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ ये मसला है, क्या कुछ लेकर ये यहाँ पर डीसी ऑफिस यहाँ पर पहुंचे हैं, किस समस्या के वशीभूत इस चिलचिलाती गर्मी में कड़ी धूप के बीच इन लोगों को यहाँ पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये पूरा मामला इन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे। फिलहाल ऊना के डीसी ऑफिस में हरोली उपमंडल के ठाकरा के दर्जनों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्रशर उद्योग को लेकर एक लगातार तनाव की परिस्थिति यहाँ पर जो पैदा हो रही थी, उसी के चलते यहाँ पर लोग डीसी ऑफिस कैंपस में, ऊना के डीसी ऑफिस कैंपस से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तमाम पंचायत के प्रतिनिधि और इसके साथ साथ ग्रामीण सभी लोग इस वक्त यहाँ पर तो क्या कुछ ये मसला है, किस परेशानी के चलते यहाँ पर ये पहुंचे हैं, इन्हीं ग्रामीणों की जुबानी आपको सुनाएंगे। जी क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मैं निशा देवी, वार्ड पंच, वार्ड नंबर 9। सर हमारी मांग ये है कि हमारे प्रधान ने हमें बगैर बताए NOC दे दी, और हमारे जो वार्ड पंच है उनको भी नहीं बताया। जब हमने प्रधान को बोला कि आपने हमें नहीं बताया, तो प्रधान का जवाब आया कि हमने जरूरी नहीं समझा वार्ड पंच को बताना। और जहाँ पे NOC दी है वहाँ पे हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे गिड़गड़ा साहब जी है, रोटराम जी डेरा है, और वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे लकड़ी भी है और हमारी जमीन भी है और जीव जंतु काफ़ी है, वहाँ पे औषधियाँ हैं, काफ़ी दवाइयाँ वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोगों की जमीन है, तो वो हम चाहते हैं कि हमारी वो NOC कैंसिल की जाए। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे कोई भी प्रधान वहाँ पे जो भी बने वो वहाँ पे कोई भी प्रधान NOC वहाँ आगे वास्ते ना दे। NOC दी किस चीज के लिए है जी? क्या मसला? क्रशर के लिए NOC दी है सर, क्रशर के लिए। हाँ जी, तो कब से अभी स्टार्ट हो चुका है या अभी होना? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ वहाँ पे उन्होंने जमीन साफ की। पहले तो हमें धोखे में रखा गया, कहते हमने कोई NOC नहीं दी। जब वहाँ पे जमीन साफ की तो हमने उनसे पूछा कि आपने NOC दी है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने दे दी है, कहते हैं हमने क्रेशर लगाना है वहाँ पे, हमने NOC दे दी है। तो जब हम पंचायत घर भी गए, अब 24 तारीख को वहाँ पे इजलास रखा हुआ था, वहाँ पे इजलास रखा था, उसमें उन्होंने बोला कहते हम ये कैंसिल नहीं कर सकते, हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ। 2 बार ग्राम सभा लग चुकी है, उनका कोरम पूरा नहीं हुआ, वो हमें अंधेरे में रख रहे हैं और बोल रहे हैं वहाँ पे रोजगार मिलेगा। सर हमें बताया जाए क्या रोजगार मिलेगा वहाँ, हम जो भी हमें हवा आएगी वो गंदी आएगी, धूल मिट्टी वाली आएगी, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और हमारे वहाँ पे धार्मिक स्थान है सबसे ज़्यादा, जिस रोड से ये टिप्पर गुजरेंगे ना सर, वहाँ पे हमारी संगत जाती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी सबसे ज़्यादा नुकसान है हमें। और इतना सा छोटा रोड है, उस पर आप खुद देखो कि क्या हो सकता है। हमारा यही मांग है, हमारी साथ जो भी हमारे साथ जनता आई हुई है, हमारी यही मांग है कि वो NOC कैंसिल की जाए और आने वाले जो भी प्रधान हो कोई भी आगे वास्ते वो NOC ना दें, प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। तो NOC को लेकर यहाँ पर जो है वो दबाव बड़ा है, लगातार तनाव है यहाँ पर लोगों के बीच। पालकवा से पूर्व प्रधान संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका थैंक्स जी, आपने अपना समय निकाला है। यहाँ तक आज यहाँ पे जनता का आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ग्राम पंचायत पालकवा में हमारा माजरा पड़ता है ठाकरा वार्ड नंबर 9 है, वहाँ पे एक ऐसी NOC इशू कर दी गई पंचायत के द्वारा जिसके लिए पहले से पिछले 5 साल से मैंने भी उस NOC को रोका था। रीज़न यही था कि हमारे 2 डेरे हैं वहाँ पे, एक बाबा रोटीराम जी का डेरा है, एक हमारा गिड़गड़ा साहब जी का डेरा है, और वो डेरे जो बड़ी प्राकृतिक संपदा के बीच में पुरानी धरोहर है हमारी, लेकिन पंचायत ने विदाउट एनी डिस्कशन एक ये NOC इशू कर दिया। इसके बाबा जब मेरे को पता चला है तो मैंने डायरेक्टली पंचायत में जाके कहा है कि ये पहले से इशू नहीं की गई थी, इस पर रोक लगानी चाहिए। अब रिसेंटली पंचायत ने जब ये लोग 10 से 12 लोग पहले पंचायत में गए तो 2-3-4 पंचों का वहाँ पर दर्शन आया कि हमें पूछा नहीं गया है या हमारी नॉलेज में नहीं है ये बात, तो पंचायत के पदाधिकारियों ने एक रिटर्न दिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैंसिल कर देंगे। उसके बाबत इन्होंने
एक ग्राम सभा का आयोजन किया, उसमें मैं भी शामिल हुआ और उस दिन कम से कम जो विरोध करने वाले लोग थे, इस क्रशर से एंटी लोग जो हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, उन लोगों ने जब वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ इस हिसाब का हमें लगा नहीं कि ये कैंसिल करने के मूड में है, इस वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जिलाधीश महोदय की नोटिस में ये बात लाई जाए कि अगर ये डेराओं के नज़दीक ऐसे क्रशर्स स्थापित हो गए तो हमारे जो वहाँ पे भजन सिमरन होता है, हमारे जो पुराने ढंग से वहाँ पे लोगों का आना जाना है, वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सेकंडली, अगर आप पर्सनली अगर विजिट करके देखें, प्रशासनिक अधिकारी अगर वहाँ पे विजिट करवाएं, जैसे अभी ये पेन साहब यहाँ पे बोल रहे थे, तो ये बात क्लियर है कि वहाँ पे ऐसी औषधियाँ हैं प्राकृतिक रूप से जो पनपी हैं वहाँ पे, जो बहुत से बड़ी बीमारियों के लिए यूज़ की जा सकती हैं, और यहाँ तक कि दुर्लभ जो जानवर हैं, बारहसिंगा वगैरह जानवर, इनके स्नैप्स इनके पास हैं, वो डेली वहाँ पे बिचरते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा जो एरिया है, ये हमारा जो सारा का सारा एरिया है, ये पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड, मैं इसके साथ एक और चीज़ जोड़ना है, हमें पंचायत से कोई विरोध नहीं है, पंचायत ने दे दी है, कैसे दे दी है कोई इशू नहीं है, लेकिन पंचायत इस पे गौर करे कि इसको कैंसिल कैसे करना है। जनता से परे हट के आप क्रशर स्थापित वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जोर जबरदस्ती वहाँ पे नहीं होगी। हमें कोई एलिगेशन नहीं है पंचायत के ऊपर, पंचायत का हमारे लिए पंचायत का मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोध में जाएं, हमारा ये है कि हमने पंचायत को रिक्वेस्ट लगाई है, पंचायत उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है। अगर पंचायत ने नहीं देनी है तो हम प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएंगे, वो हमारा राइट बनता है। हम यहाँ अगर ये नहीं सुनेंगे तो इससे अगला स्टेप भी आएगा। इसलिए मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा कि इतनी जनता की जो डिमांड है, इसको आप मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए पंचायत को डायरेक्शन दी जाए कि इस मसले को यहीं पे रोके, इसका लिखित प्रावधान करते हुए इसको रद्द किया जाए। धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जी, अभी आप लोग यहाँ पर शिकायत लेकर आए हैं, अगर अभी भी इस एनओसी पर रोक नहीं लगती है, क्या आपका अगला रुख रहेगा? सर, हम पहले तो जो अभी इकट्ठे होकर जो मतलब थोड़ी संख्या में आए हैं, भी ये क्लियर कर सकें भी, अगर नहीं मानेंगे वहाँ मतलब, तो हम आगे से फिर ज़्यादा तदार में आएंगे, सभी लोकल गाँव के सभी बंदे आएंगे और वहाँ हम आकर धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ आकर। हाँ जी, तो तमाम लोग यहाँ पर, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। डीसी ऑफिस कैंपस में आपको हर तरफ लोग नजर आएंगे, क्योंकि विरोध है क्रशर का, विरोध है पंचायत की उस एनओसी का जो क्रशर लगाने के लिए जारी की गई है। दो धार्मिक स्थल और इसके साथ साथ आबादी प्रभावित हो रही है, ये दावा यहाँ पर आए पंचायत के सदस्यों और तमाम ग्रामीणों का यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर अब भी इस एनओसी पर प्रशासनिक रोक नहीं लगती है, पंचायत द्वारा जारी की गई एनओसी को नहीं रोका जाता है, तो ग्रामीणों के विरोध का स्वरूप आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। डीसी ऑफिस कैंपस से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।